हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। कल जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये दो नंबर का क्वेश्चन है। अब दो नंबर के क्वेश्चन में आपने कितनी गलतियां की हैं वो देख लीजिएगा। वैसे तो आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं, आप लोग गलतियां करेंगे नहीं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिये, यहाँ पर फंक्शन बनाया जाता है डेफ से, यानी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ नाम का कीवर्ड यूज होता है, और ये डिफाइन नहीं लिखा जाता है, डेफ ही लिखा जाता है, और वो भी स्मॉल में। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन फंक्शन का नाम हमने क्या दिया, इवन ऑड दिया, और यहां पर कॉलन लगाया जाता है। तो पहला एरर तो यहां पे क्लियर हो जाता है कि यहां पे कॉलन नहीं लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका पहला एरर। तो मैं यहां पे हैश लगा करके कमेंट कर देता हूं, फर्स्ट एरर, FIRST फर्स्ट, ERROR फर्स्ट एरर हो गया ये। इसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर नम नाम से एक वेरिएबल बनाया गया है जो कि इंट टाइप का है, और यहां पर यूज किया गया है इनपुट फंक्शन। ठीक है, क्या यूज किया गया है, इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन यूज किया गया, तो यहां पे कितना ब्रैकेट ओपन हुआ है, एक ब्रैकेट, और यहां पे दूसरा ब्रैकेट, और क्लोज कितना हुआ है, तो एक ही ब्रैकेट क्लोज हुआ है, तो दोनों ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, तो दोनों ब्रैकेट को क्लोज कर दिया गया। और तीसरा एरर तब आएगा जबकि यहां पर आप मॉड्यूलस नहीं लगाएंगे, तब दिक्कत होगी आपको। तो यहां पर आपको लगाना है एक मॉड्यूलस ऑपरेटर, मॉड्यूलस यानी ये, जिसे आप रिमाइंडर भी कहते हैं, और टू से मॉड्यूलस करवा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड एरर। ठीक है, ERROR ये सेकेंड एरर था, और ये आपका थर्ड एरर है। बाकी कोई एरर इसमें नहीं है, यही तीन एरर्स हैं। अगर आप दो भी लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा इस पर। ठीक है, तो अगर आपने लिख दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर इतना भी नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे। ये तो क्लास 9th स्टैंडर्ड है, ठीक है, 10th में नहीं बल्कि 9th में तो पढ़ाया ही जाता है ये। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये किया है तो दो नंबर आपके पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे।